कहते हैं ना कि दुबई विल नेवर स्टॉप सरप्राइजिंग यू। फैशन के लोग दीवाने हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज खुर्शीद खान एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ एमिरेट्स व्लॉग्स। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं अरब फैशन वीक में। ये है D3 में भाई, यहाँ पे हो रहा है अरब फैशन वीक। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, हमारे जो शुरू का जो मेरा पहला व्लॉग था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे चेक कर लें। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं दिखाऊँगा आप लोगों को दुबई में इवेंट्स, फेस्टिवल्स और मुख्तलिफ लोकेशंस। तो भाई ये है एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है दुबई में अरब फैशन वीक के नाम से, जो कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई दुबई में फैशन शोज़ कैसे होते हैं, दुबई में इस तरह के इवेंट्स किस तरह से होते हैं। तो आज इस खूबसूरत इवेंट पे हम लोग आए हुए हैं इन्जॉय करने के लिए, मैं और आप हम सब एक साथ, मतलब डिस्कवर करेंगे, देखेंगे, इन्जॉय करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग हमारे पिछले व्लॉग्स की तरह पसंद आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। सब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप लोगों को दिखाते हैं भाई अंदर वाला सीन। स्टे ट्यून्ड। कहते हैं ना कि दुबई विल नेवर स्टॉप सरप्राइजिंग यू। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि दुबई में ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है भाई जहाँ पे आप घूम सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको आप शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स पे स्टॉल्स हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे अपना ब्यूटीफुल टाइम। ये D3 जो लोकेशन है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ ले सकते हैं और टिकटॉक की वीडियोस बना सकते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर लोग मुझे ख़ुद मैसेज करते हैं कि भाई आज हमें कोई लोकेशन बताओ, हमने कौन सी लोकेशन पे जाना है। तो भाई अगर आप लोगों को लोकेशंस का पता करना है ना कि भाई कौन सी लोकेशन में जाना है, तो व्लॉग दिखा करो पक्का। भाई मैं ऐसे लोकेशंस निकालता हूँ भाई, ऐसे लोकेशंस निकाल के लेके आया करूँगा कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि वाकई में ये लोकेशन भी होती है, मतलब ऐसी जगह भी दुनिया में है।
एक छोटा सा ब्रेक चल रहा था, तो मुझे था कि मैं ब्रेक से थोड़ा फायदा उठाता हूँ। उस दौरान मैं आप लोगों को बाहर की लोकेशन दिखा दूंगा, जो आप लोगों ने देख ली होगी कि भाई D3 किस तरह से दिखता है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। लेकिन ब्रेक जो है वो अभी ख़त्म हो गया है, सारे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई रैम्प पे मॉडल्स वॉक किस तरह से करते हैं। तो शो ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, तो चलिए मेरे साथ।
देखें आप कितने लोग आए हुए हैं, फैशन के लोग दीवाने हैं भाई, फैशन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। फैशन जब हो, गर्मी में भी लोग जो है ना जैकेट चढ़ा लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको होता है कि यार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने फैशन में रहना है, अपने टशन में रहना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आप देखेंगे वो अलग किस्म के कपड़े पहन के आए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की तो मैं जो है ना वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो अपने सही हालातों में। लेकिन एनीवेज आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, और दिखाते हैं आपको। इवेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े वाला होने वाला है, तबाही है बॉस, तबाही है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। हमारे साथ है रूमी मुनव्वर, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रूमी एक खुद एक बहुत बड़ी मॉडल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि दुबई में, यूएई में, और सबसे अच्छी बात, मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छी बात जो है वो ये है कि आज हमारे साथ है भाई। रूमी ने जो है ना अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, जिसमें रूमी जो है परफ्यूम लॉन्च किया है मैंने अपना, तो आई हैव 3 परफ्यूम्स, तो रूमी फ्रेग्रेंस जिंदाबाद, मतलब अभी फ्रेग्रेंस जिंदा ही बाद रहेगा। रूमी एक चीज़ आप मुझे बताएं, माशाल्लाह आपको तो सब जाते हैं, आपकी तारुफ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक चीज़, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, मतलब धूप तो नहीं है, गर्मी है, इतनी गर्मी में मतलब फैशन के दीवाने कहीं पर भी पहुँच जाते हैं? यार ऑफ कोर्स, आरा फैशन वीक है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड आउट फैशन वीक, सबसे ए क्लास फैशन वीक है, तो इस पे तो मेहनत बनती है, और आने का भी, पसीना उतारने का भी फ़ायदा है, क्योंकि जो फैशन शो हुआ है बहुत अमेजिंग हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन क्या लास्ट वाला जो अमातों का था, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। हाँ, ओवरऑल आपको कैसा लगा ये पूरा इवेंट, कैसा लगा? या तो इवेंट वॉज वेरी नाइस, और मुझे बहुत, मैंने इन्जॉय किया। इट वॉज़ अबाउट मेन, और बहुत ही डिफरेंट टाइप का फैशन था, फैशन वही होता है जो समझ नहीं आता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था खुशबू लगा के। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, सबने ये पगड़ियाँ क्यों बांधी हुई थी? वो तो मैं भी यही सोच रही थी कि सब अलादीन क्यों बने थे, लेकिन जो अजीब होता है ना वही फैशन होता है, वही फैशन, तो उसी में मज़ा आता है, और फैशन शो इसी का नाम है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, टिकटॉक पे ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं, जो कुर्सी जो है ना चढ़ा देते हैं और ऐसे ऐसे वॉक करते हैं, और वो वीडियोस वायरल भी होती हैं, क्योंकि जो चीज़ अजीब होती है ना उसी में एक अलग तरह की कशिश होती है, तो फैशन शो का भी। जब आज मैं फैशन ये शो में देख रहा था, तो इसमें मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी जो मैंने टिकटॉक पे देखी थी। टिकटॉक पे भी यही है कि हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स लोग हैरान होते हैं तो देखते हैं, हैरान परेशान होते हैं तो उस परेशानी में अच्छा है, इंसान का दिल मनोरंजन हो जाता है। वैसे रूमी, आज आपकी जो ड्रेसिंग है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, ज़बरदस्त है, तो ये कलर कैसे डिसाइड किया आपने कि आज इस फैशन शो में ये कलर पेंट किया पाएंगे? यार बिकॉज ऑफ जो फैशन वीक है, सॉरी खुर्शीद को मैं बार बार ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो द पॉइंट इज़ के आरफ फैशन वीक का थीम हमेशा ब्लैक होता है, तो ब्लैक पे अगर आप कुछ डिफरेंट कलर करें तो वो स्टैंड आउट करता है। तो मतलब मैंने जो पहना है गलत है? गलत पहन लिया ना, ब्लैक हो गए, खुशबू लगा के। देखो एक तो रात हो गई, सादा गुल भी कह दिया, एक तो रात हो गई और रात में ब्लैक हो गया, और वो भी अरब फैशन वीक में, मतलब सारी चीज़ें ब्लैक, हम भी ब्लैक बन के आ गए, मतलब हमसे गलती हो गई। नहीं, सादा गुल के कैरेक्टर में है ना, तो सादा गुल तो सादा ही है ना। हमारे साथ भी ये एक सीन है कि हम बहुत पहले, मतलब कहीं मॉडल रह चुके हैं, हम इस दौर से बहुत पहले निकल चुके हैं, अभी दोबारा जो है ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए। एनीवेज होपफुली कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। रूमी से बहुत अच्छी बातें हुई, थैंक यू रूमी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मेरी बहुत, जैसे कहते हैं ना, शुभकामनाएं हैं। यही बोलना मेरी, सदका उतारो मुर्शिद, खुशबू लगा के फ्रेग्रेंस लगाना मत भूलना ज़रूर, और खासोसन इस खुशबू गर्मी में तो बहुत गर्मी है, गर्मी में तो फैशन ज़रूरी है।
सच बताऊं तो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं पे जाते हो और वहाँ के लिए आप टाइम निकालते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके जहन में होती है वो ये होती है कि भाई अगर आपने टाइम निकाला, आपका टाइम भी ज़ाया ना जाए और आप उस लोकेशन पे, उस जगह पे इंजॉय करें। D3 ख़ुद में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अगर आप आते हो तो आप इंजॉय करते हो। और जब आप ऐसे इवेंट्स पे आते हो जो आज हमने देखा भाई, अंतम ब्यूटीफुल, मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इफ लाइफ रिमेंस एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपका भाई आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मा सलाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, लल्लू अल्लाह फमान सारा।